एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग क्लास 8 मैथ्स। अभी तक हमने हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ कर लिए हैं। टुडेज टॉपिक इज सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। कभी मैच देखते हुए आपने देखा है किसी बैट्समैन की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है, कैसे? जैसे यहाँ पे बैट्समैन होगा, इस तरह से पिच होगी, सो हर एरिया में उसने किस तरह से स्कोर किया है, फ्रंट में, बैक में, हर तरफ उसकी परफॉर्मेंस की परसेंटेज बताई जाती है, दैट हाउ मैनी रन्स ही हैज स्कोर्ड इन ऑल एरियाज। सो ये भी एग्जांपल है एक तरह का सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट। कुछ और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन में यहाँ पे बताया गया है कि एक बच्चा जो है वो किस तरह से अपने डे टाइम को स्पेंड करता है। यहाँ पे आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि वो स्लीपिंग करने में 8 आवर्स, होमवर्क करने में 4 घंटे लेता है, अदर एक्टिविटीज़ करने में 3 घंटे, प्ले करने में 3 घंटे और स्कूल में उसके 6 घंटे बीत जाते हैं। इस तरह से पूरा डाटा जो है होल डे का वो आपको रिप्रेजेंट हो जाता है। सो जब भी किसी डाटा को हम एक सर्कल में रिप्रेजेंट करें उसे हम बोलते हैं सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आपको पता होना चाहिए ये इसके सेक्टर्स हैं। सर्कल जो ग्राफ है सर्कल की फॉर्म में, उसके अलग अलग सेक्टर्स बने हुए हैं। अगर आपको पाई चार्ट से परफॉर्मेंस निकालनी है, उसके बेस पे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो आपको ये सेक्टर्स के एंगल पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक अ सिंपल प्रॉब्लम जहाँ पे चॉकलेट की प्रेफरेंस जो है फ्लेवर्स की 50%, वनीला की 25%, अदर फ्लेवर्स की 25%। सो इसका बार ग्राफ, सॉरी इसका पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ कैसे बनेगा? परसेंटेज से हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको फ्रैक्शन में। टोटल परसेंटेज होती है 100% और यहाँ पे हमें दिया है 50। सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? जितना हमें दिया है डिवाइडेड बाई टोटल, मीन्स 50/100, दैट इज़ 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25/100, दैट इज़ 1/4। यहाँ पे भी 1/4। अब एंगल कैसे निकालेंगे हम? होल एंगल इज, सर्कल में होल एंगल होता है 360 का, तो फॉर 50% के केस में फ्रैक्शन आया हमारा 50/100, दैट इज़ 1/2। ये है आपका फ्रैक्शन। अब एंगल निकालना है आपको, तो इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करिए होल एंगल से। होल एंगल कितना है? दैट इज 360। तो इस तरह से एंगल आ जाता है 180 डिग्री। इसी तरह से जो 25% वाला है उसका हो जाएगा 25/100, फ्रैक्शन आ जाएगा इसका 1/4, एंगल आ जाएगा इसका 1/4 मल्टीप्लाई बाई 360, तो 90 डिग्री। और थर्ड वन अदर फ्लेवर्स, वो भी 25% का, उसका एंगल भी सेम क्या जाएगा? 90 डिग्री। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे पाई चार्ट की फॉर्म में, तो 180 डिग्री। ये है चॉकलेट फ्लेवर पसंद करने वाले बच्चे, दैट इज़ 180 डिग्री। रिमेनिंग टू एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है, जहाँ पे ये वनीला वाले बच्चे हैं और ये अदर्स वाले, और ये थे चॉकलेट लाइकिंग किड्स। सो इस तरह से ये पाई चार्ट आपका ड्रॉ हो जाता है। मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज 5.2। इन दिस क्वेश्चन अ पाई चार्ट इज़ गिवन, जहाँ पे हमें अलग अलग पीपल की परसेंटेज बताई गई है, जो लाइट म्यूज़िक पसंद करते हैं, फोक सॉन्ग पसंद करते हैं, क्लासिकल पसंद करते हैं और सेमी क्लासिकल। ये हैं इसके सर्कल ग्राफ के सेक्टर्स। अब हमें इसके बेस पे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड? अगर टोटल 20 पीपल जो है वो म्यूज़िक पसंद करते हैं, कौन सा वाला?
क्लासिकल तो टोटल कितने लोगों का सर्वे किया गया है। तो यहाँ पे क्लासिकल की परसेंटेज जो हमें यहाँ से पहली बात क्या पता चल रही है, पीपल लाइकिंग क्लासिकल परसेंटेज कितनी है, दैट इज 10%। और नंबर्स के फॉर्म में ऑल्सो पीपल लाइकिंग क्लासिकल इन नंबर्स दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और वो कितने बताए गए हैं यहाँ पे, 20 पीपल बताए गए हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों चीज़ें क्या होंगी, आपस में सेम। इसी क्वेश्चन की बात हो रही है, इतने पीपल पसंद करते हैं, परसेंटेज की फॉर्म ऐसे है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% है ऑफ टोटल, जो टोटल पीपल हैं उसमें से 10% लोग, जो 10% है वो लाइक करता है, और वो कितने बन जाते हैं, दैट इज़ 20। टोटल का 10% आप निकालेंगे, दैट इज़ 20। बात एक ही है, चाहे वो 10% क्लासिकल म्यूज़िक लाइकिंग पीपल की बात करें हम, या फिर 20 पीपल लाइक म्यूज़िक, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वेट। अब टोटल का हमें पता नहीं है टोटल कितना है, सो वी विल कंसिडर इट एज एक्स। ओके, अब जो कैंसिल आउट होता है यहाँ पे वो कर दिया हमने। एक्स हमें वेरिएबल फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी पीपल वर सर्वेड, कितने लोगों का सर्वे किया गया। 10 को ले गए हम टू द अदर साइड, तो कितने लोगों का सर्वे किया गया, दैट इज 200 पीपल वर सर्वेड। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ऐसा कौन सा म्यूजिक है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लाइक करते हैं। आप पाई चार्ट से देख लीजिए, जिसका सेक्टर एंगल सबसे बड़ा है, जिसकी परसेंटेज सबसे बड़ी है, वही मैक्सिमम पीपल लाइक करते हैं। 30% फोक है और 40% लाइट म्यूजिक है। तो लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, दैट इज 40%। आपको इसे ज़्यादा फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, अगर एक कंपनी जो है वो 1000 सीडीज बनाना चाहती है तो हर टाइप की कितनी सीडीज वो बनाएगी। टोटल सीडीज कितनी बनाएगी, 1000। अब यहाँ से फ्रॉम द गिवन डाटा क्लासिकल से चलते हैं हम। क्लासिकल सीडी कितनी हो जाएगी, 10% ऑफ टोटल, टोटल कितनी बन रही है, दैट इज 1000, मीन्स 10/100 इंटू 1000, इसे कैंसिल हो गया, तो 100 सीडीज बनानी पड़ेंगी क्लासिकल की। और सेमी क्लासिकल की 20% है, 20% ऑफ टोटल सेम, ये हो गया आपके पास 200 सीडीज। तो इसी तरह से चलेंगे तो 300 सीडीज बनेंगी फोक सॉन्ग की, 400 सीडीज बनेंगी लाइट म्यूजिक की। आप चेक भी कर सकते हैं, ओवरऑल तो क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम, सबको ऐड करेंगे तो वो 1000 हो जाएगा। सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टेक्स्ट बुक। सो पाई चार्ट में आप क्या करेंगे, अगर गिवन डाटा है तो उसी तरह से डेराइव करने की कोशिश करेंगे, अगर डाटा दिया गया है तो उससे पाई चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने चॉकलेट वाली प्रॉब्लम में किया एग्जांपल में। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।